आज हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आगे का सेक्शन पढ़ेंगे, और पहले हम लोग डिफरेंशिएशन आप लोग बता चुके हैं, और डिफरेंशिएशन में अलग अलग टाइप्स ही बताए आप लोग को हैं, और कुछ एप्लीकेशन ही बताए हैं। चूँकि हम लोग मैथमेटिकल पढ़ रहे हैं, साथ में उसमें इकोनॉमिक्स का यूज भी सीख रहे हैं। आज जो क्लास में सीखेंगे, सबसे पहले आपको अभी हम लोग को इलास्टिसिटी डिमांड का प्रॉब्लम बताना है। तो सबसे पहले हम इलास्टिसिटी डिमांड का कंसेप्ट बताएंगे। कुछ लोग जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़े होंगे, और इलास्टिसिटी डिमांड में हम मैथमेटिक्स का उपयोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसको भी सीखने का हम लोग प्रयास करेंगे। अभी जो क्लास का डिस्कशन है उसमें दो चीज़ सीखेंगे। एक पहला कि हम इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड में हमारा डिफरेंशिएशन का यूज क्या है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इसके नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि आज जो सीखें उसका इकोनॉमिक्स एनालिसिस क्या है, दोनों आपका हो जाएगा। और अपना अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में होता है, समानता डिपार्टमेंट में होता है, आप ले लीजिएगा तो क्वेश्चन भी साथ साथ आपका बनते चला जाएगा। तो सबसे पहले देखो, हम लोग जो पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको मांग की लोच कहते हैं। थोड़ा सा पहले हम बैकग्राउंड बता दें, जब आप पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब हुआ, अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु का मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगी, और वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी, दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। बट आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी हाउ मच डिमांड विल इंक्रीज द परसेंटेज प्राइस विल चेंज। यदि हमारा चेंज प्राइस में होगा तो डिमांड कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, आई वॉज अनेबल टू स्टडी इन द सेक्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। दैट मीन्स इट इज़ द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, किसका, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड का। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, कौन सा क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस और डिमांड के बीच में क्वालिटेटिव रिलेशनशिप को शो करता है, और जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या करता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को शो करता है, जिसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। और बेसिकली जो इलास्टिसिटी डिमांड का जो कंसेप्ट है, पूरा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसको मार्शल साहब ने दिया था। वैसे प्रोफेसर डुपिट का भी नाम आता शुरुआती दौर में, लेकिन मार्शल साहब इसको पॉपुलराइज किए। तो उनके हिसाब से जो हमारा जो डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी इलास्टिसिटी डिमांड है, देखो यानी उसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कहते हैं समानता, लेकिन चलिए हम लोग इलास्टिसिटी डिमांड है ईडी, तो इसका मतलब ये इस तरह से लिखा जाता है कि परसेंटेज चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ, इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड कर दो एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैथमेटिकल में भी एक क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना। तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड,
इलास्टिक डिमांड क्या है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इलास्टिक डिमांड कौन दिए? मार्शल दिए। दोनों का क्वेश्चन है आपका, बनेगा, पहले भी पढ़े होंगे क्विक रिवीजन। अब देखो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही ना रेशियो है, यही ना मोटा मोटी है। अब देखिए आप पहले भी पढ़े हैं, एक बार क्विक रिवीजन, जो पहले पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं समझ तो भी समझ में आएगा। जैसे एक हमारे डिमांड शेड्यूल है, क्या है? डिमांड शेड्यूल है, ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी डिमांड है, एक पर डिमांड शेड्यूल है। तो हम पढ़ते थे हायर द प्राइस लोअर डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर डिमांड पढ़ते थे। तो ये जो आपका देख रहे हैं, एक दो तीन चार, ये क्या है? बेसिकली ये P मान लीजिए, ये P1 है, ये Q है और ये Q1 है। सब पढ़े हैं पहले आप। तो क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो यदि हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं, किसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो क्या होगा? अभी डिमांड 10 है, पहले कितना था? 5 है। तो इसको परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है? Q1 माइनस Q बाई Q इंटू 100, ठीक है, ये करते थे। और Q1 माइनस Q को हम लोग डेल्टा Q रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डेल्टा का मतलब होता है चेंज या स्मॉल चेंज, डेल्टा Q का मतलब क्या होता है? चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो इसमें आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा इसकी जगह पर देखिए, तो Q1 माइनस Q बाई Q इंटू 100, ये क्या लिखें इसके जगह पे लिखें, ये आ गया, माइनस साइन रहेगा। अब उसी तरीके से निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 माइनस P बाई P इंटू 100, P1 माइनस P को डेल्टा P कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे P1 माइनस P बाई P इंटू 100, ये कट जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इतना। ठीक है, समझ गए? तो बेसिक कंसेप्ट समझे ना, ये आप पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में एकदम बिगिनिंग से, मैंने कहा कि इस तरह से चीज़ें पढ़ते हैं आप लोग हैं, अब इसको हटा दें, ज़रूरत नहीं है, समझ गए बेसिक कंसेप्ट। अब आइए इसको क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई क्यू डेल्टा पी बाई पी लिख सकते हैं, आगे डेल्टा क्यू बाई क्यू, ये डिवीजन में हो जाएगा, डेल्टा पी
बाई पी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई, हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में होगा तो चेंज हो जाएगा, या इसको डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू, सॉरी इसको आप लिख सकते हैं ऐसे डेल्टा क्यू हो गया ना, इसको आप और आगे एक स्टेप ले जाते हैं, लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, माइनस साइन है, और क्या हो जाएगा पी बाई क्यू, क्लियर है। और इसे हम लोग डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशियल कैलकुलस में ऐसे लिखते हैं डी क्यू बाई डी पी पी बाई क्यू, ए डी इक्वल टू ए हमारा प्राप्त हो गया, लिखेगा ना इसको, ठीक है। डी क्यू बाई डी पी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्यू क्या है क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पूछा है कि भाई डी क्यू बाई डी पी क्या है, तो लिखिएगा रेट ऑफ चेंज, क्या लिखिएगा रेट ऑफ चेंज, यानी कि मार्जिनल वैल्यू देता है, ये तुम्हारा क्या देता है एवरेज वैल्यू देता है, ठीक है। इस तरीके से हमको ये प्राप्त हुआ, अब इसको हम लोग आगे देखेंगे इसका एप्लीकेशंस क्या है, लेकिन इसके पहले हम लोग पढ़ते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री मतलब होता है मांग की लोच की श्रेणियाँ, ये पांच तरह होता है, वही डिस्कस करेंगे उसके बाद हम आ गएंगे। चलो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा, देखे क्वेश्चन देखते हैं ना, प्रीवियस ईयर में निम्नलिखित में से कौन सा इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला है ए है, या कहीं कहीं पे रहेगा डी एक्स बाई डी पी, तो पी बाई एक्स हो जाएगा, एक ही बात है, माइनस साइन रहेगा, या ऐसे रहेगा दिया हुआ ई डी, तो डी एक्स बाई डी पी हो जाएगा पी बाई एक्स, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन अलग अलग है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, लिखिए हेडिंग, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, इसको हिंदी में कहते हैं मांग की लोच की श्रेणियाँ, मांग की लोच की श्रेणियाँ, ई डी का वैल्यू मान लिया वन आएगा, ई डी का वैल्यू मान लिया मोर देन वन आएगा, ई डी का वैल्यू मोर लेस देन वन आएगा, ई डी का वैल्यू इक्वल टू जीरो आएगा, या ई डी का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। विस्तार से जानकारी के लिए सब में मैंने इसको वेरीफाई किया था, सबको मैंने डेराइव किया था, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर्स हैं उसमें जाकर देखिएगा तो फिर से पता चलेगा, क्योंकि कुछ बच्चे नए हो सकते हैं इसलिए मैं इसको लेके साथ में चल रहा हूँ। तो देखिए ये क्या है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्या बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या मांग की इकाई लोच। एक क्वेश्चन भी पूछा मैथमेटिकल में भी क्वेश्चन पूछा हुआ जी, जान लो एक उसको बोल क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोर इलास्टिक डिमांड, और इसको क्या बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ये हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब इसका पूरा का पूरा मैंने डेरिवेशन दो घंटा लगा था, हम सब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में बताए थे, काइंडली उसको जाकर देखिए, क्यों इसलिए क्यों, क्योंकि जो मैथमेटिकल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इससे कोरिलेटेड है, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा
अब देखिए मोर इलास्टिक का मतलब क्या होता है, अधिक लोचदार, अधिक परिवर्तनशील। प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज हो और मांग में बहुत चेंज हो, जैसे अगर प्राइस बढ़े 5% या घटे 5% और डिमांड चेंज हो 10% 20% 25% से, तो उसको बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। जैसे लग्जरियस गुड्स का डिमांड मोर इलास्टिक होता है, और जो नेसेसरी गुड्स है रोटी चावल दाल, अगर दाम बढ़े या घटे बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि ज़रूरी आइटम है ना। अगर रोटी का दाम घट गया बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, रोटी का दाम बढ़ गया तो बहुत कम नहीं खाएंगे। रोटी एक नेसेसरी गुड्स है, क्लियर है। तो ये है लेस इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है, जैसे नमक बताए थे, इन इलास्टिक मतलब नो चेंज इन डिमांड, क्लियर। चलो उसको बंद कर दो थोड़ा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पूरा बेस आपका बन गया। अब हम सीखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन आज सीखेंगे तो उसका एप्लीकेशन दोनों क्लास में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी डिमांड का और पार्शियल दोनों का हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में सीखेंगे। क्योंकि जब आप प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, है ना। चलिए उसको हम बताते हैं। ठीक है, देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स। जैसे हम पढ़ते थे ना, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या निकालते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन यदि ऐसा हो, है ना, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो दो वेरिएबल हैं, तीसरे हम लोग निकालते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और निकालेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज इन जेड ड्यू टू चेंज इन एक्स, इसमें जेड इज द रेट ऑफ चेंज, या फिर यहाँ पर क्यू रहता है, क्यू मतलब प्रोडक्शन, है ना, बताएंगे। तो इसका मतलब हुआ जब ए हम डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो बाकी सब कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना, अभी हम बताएंगे। तो इसको नोटेशन लिख लो, इसको क्या पढ़ेंगे डेल, इसको क्या पढ़ते थे डेल्टा, इसको क्या पढ़ेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डेल लिखिए, इसको बताएंगे आगे, बाकी सब फार्मूला सब वही रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मान ले कि जेड इक्वल टू दिया हुआ है, है ना, 12x4, है ना, यहाँ दिया हुआ है y4, यहाँ दिया हुआ है, है ना, x2 और y3, और प्लस दिया हुआ है 3। तो अभी पहले दो दो निकाल कर दिखाते हैं आपको। जैसे देखो, अगर आपको निकालना रहेगा डेल जेड अपॉन क्या डेल एक्स, है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरें, हम लिखाएंगे पहले इसको समझो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स लिखेंगे ना, और यहाँ क्या लिखेंगे 12x4 प्लस y4
प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस थ्री लिखेंगे। इसके और क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल, जैसे इसको और लिख सकते हैं और सिंपलीफाई कर देते हैं। यहाँ 12 क्या है, कांस्टेंट है, तो 12 कर दो और डेल एक्स फोर अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर एक चलो है तो कर देते हैं, तो हालांकि जीरो हो जाएगा, तो जीरो यहाँ भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई फोर क्या है, कांस्टेंट है, से लिख देते हैं एक स्टेप। देखो डी वाई फोर अपॉन डी एक्स प्लस, इसमें कांस्टेंट क्या है, वाई क्यू कांस्टेंट है, डेल एक्स है वाई, और यहाँ डेल थ्री अपॉन डेल एक्स है। अगर ये करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ हो जाएगा फोर, है ना, देखो यहाँ 12 है ना, तो क्या हो जाएगा 12 फोर एक्स फोर माइनस वन, तो क्यू हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा प्लस वाई क्यू ऐसे ही रह जाएगा, और क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो, 12 चौक 48 एक्स क्यू, अब प्लस क्या हो जाएगा 2x वाई क्यू, ये तुम्हारा निकल गया, है ना, ये तुम्हारा क्या निकल गया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। आया समझ में, एक पार्ट हुआ, क्या हुआ, एक पार्ट लिखो, अच्छा चलो लिखो ना, क्लियर है, जब हम लोग डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी सीख चुके हैं और इंटीग्रेशन भी सीख जाएंगे, उसके बाद इसका हम लोग एप्लीकेशन पूरा सीखेंगे। लेकिन हाँ, मैं बार बार कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन सीखने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक पार्ट है, जो मैंने पहले आपको बताया है, उसको पढ़ के आइएगा या पढ़ लीजिएगा, तभी समझ में आपको आएगा। कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेगा आपको आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, लेकिन नोट इसको लिख लो ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये हुआ एक पार्ट का, अब दूसरा पार्ट का क्या करेंगे, देखो उसी प्रकार से हम निकालते हैं, क्या हम दूसरा निकालेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई, क्या लिखेंगे, डेल वाई लिखेंगे, देखो जी बोर्ड पर यहाँ हो जाएगा 12 एक्स फोर प्लस वाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर, अब आराम से को बन जाएगा। देखो यहाँ 12 भी कांस्टेंट है और एक्स भी कांस्टेंट है, इसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4y 4 माइनस वन, तो 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहाँ क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 0, ये कॉन्स्टेंट है, यानी कि फाइनली आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, तो 4y क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई, सजा दिए, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, अब इस क्वेश्चन को आप सेकेंड और क्रॉस बनाइएगा, हम दूसरा क्वेश्चन लेके फिर आप बनाते हैं, ताकि आपके पास दो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो
एक पेज छोड़ दीजिएगा, एक पेज लगेगा उसमें। अब मान लीजिए जेड इक्वल टू लेते हैं, है ना, 9xqy + xqy³, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। देखो बोर्ड पर आराम से, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो बोर्ड पर जी, थोड़ा साइड के, पहले क्या निकालेंगे, डेल जेड अपॉन क्या, डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स। ध्यान से दीजिएगा बोर्ड पे, हम सिखाए दिए हैं, अब पूरा लिख लो, क्या दिक्कत है, 9xq + इसी में है, क्या दिया हुआ है, 9xqy + xqy³ + x² + y² इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, देखो वाई कांस्टेंट है, क्या है, वाई कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 9 × 27x², यहाँ वाई कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 3x² और प्लस क्या है, 2x हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं, चल लिख लो, और एक जो है हम लोग बोर्ड पे देखो, यहाँ सजा लें, क्या लिखोगे, 27x² + हो जाएगा 3x² + 2x, ये एक का आया। अब क्या लेंगे जी, अब दूसरा का निकालेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल वाई, है ना, तो देखिए बोर्ड पर डेल अपॉन डेल वाई, ये पूरा लिख लीजिए, 9xqy + xqy³ + x² + y² तो देखो बोर्ड पर क्या हो जाएगा, ये वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ सिर्फ वाई है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 9xq रह जाएगा इनटू 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा xq रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3y² और प्लस क्या हो जाएगा, 0 और प्लस क्या हो जाएगा, 2y, तो क्या हो जाएगा बोलो, 9xq + 3xqy² + 2y, ये क्या निकल गया आपका, ये हो गया डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये निकला ना, ठीक है, बोर्ड पर रहने दो, अगर हम सीखो, पहले हमको काम है सिखाना, फिर तो फटाफट बनेगा, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, आप लोग पूरा लिखिएगा, जगह बोर्ड पे कम है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या निकालेंगे, डेल वाई डेल एक्स किसका, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का, मतलब जो निकाले हैं, ये जो निकला है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो बोर्ड पर, डेल अपॉन डेल एक्स, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स कितना आया है, तो देखो इतना आया है 27, बोलो 27x² y प्लस 3x² y³ प्लस 2x हो गया, हो गया, तो क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y तो कांस्टेंट है, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54xy, कोई दिक्कत, अब प्लस क्या करेंगे, 64xy³ हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या निकल गया, ये निकल गया
इसको देखो जी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या है तुम्हारा बेसिकली, और लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया इसके एक पार्ट। उसी प्रकार से हमको क्या करना है, डेल अपॉन डेल वाई किसका, तो जो है आपका ई जो डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालें उसका, है कि नहीं। तो इसको लिखिए डेल अपॉन डेल वाई कितना आया है, 9xq प्लस, देखो जी 32xq प्लस 32xq वाई स्क्वायर अब प्लस क्या होगा 2y, ठीक है, क्या होगा 2y, तो क्या हो जाएगा बोलो, एक y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में है ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा, देखो y के रेस्पेक्ट में है ये जीरो हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में है, तो हाँ हो जाएगा 2y, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, तो तुम्हारा हो जाएगा 32 × 64 xq, अच्छा ये 32xq, अच्छा 32xq, अच्छा 3y, ओ अच्छा अच्छा वो 3 है, एक मिनट एक मिनट, ये हो गया 3, हाँ देख लो 3xqy² कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6xqy और प्लस 2, ठीक है। अरे भाई 2y है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y होगा और 3, तो तीनों 6q रह जाएगा, y रह जाएगा, क्लियर। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं और डेल स्क्वायर डेल वाई को, सॉरी डेल स्क्वायर जेड और डेल वाई, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा है एग्जाम में आपका, जो बता रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी अंत नहीं, पहला पार्स फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर और एक होता है क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, क्या होगा क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसे को हटा देते हैं। देखो लिखेंगे क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे जी, क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब डेल अपॉन डेल एक्स कितना, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई का, यानी कि जो डेल वाई निकाले हैं ना उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसको क्या लिखिएगा, है ना, लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, ये क्या निकाले थे, ये डेल जेड अपॉन डेल वाई यहाँ पे है, देखो डेल जेड अपॉन डेल वाई कितना है, यहाँ है 9xq प्लस 3x² 3xq है, वाई स्क्वायर है और प्लस 2y है, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट की जगह 9 × 27 x² हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा बोलो, 3 × 9 x² y² और प्लस ये 0 हो जाएगा, अच्छा है ना। यानी होनी 27x² प्लस 9x² y हो जाएगा, ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, समझ गए, इधर हो गया।
अब इधर हो गया, इधर आइए, लिखेंगे डेल जेड, सॉरी डेल अपॉन डेल वाई, किसका तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो निकाले थे उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डेल अपॉन डेल वाई ये कितना है, यहाँ लिखे हुए हैं मिलान तुम लोग भी, 27 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यू प्लस 2x, ठीक है ना जी, बोर्ड पे देखो। तो किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, तो y का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो 27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में तो 3×9x बोलो स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 0, ठीक है, यानी 27 एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर। क्या देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, ए वाला और ए वाला दोनों बराबर है ना, दोनों क्या है, बराबर है, और इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, एक फंक्शन दिया रहेगा, कहेगा वेरीफाई, है ना, क्या क्वेश्चन कहता है, वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई क्या करना रहता है, वेरीफाई करने के लिए रहता है कि वेरीफाई कीजिए डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स। ए 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, देख लो बन जाएगा। ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चन देते हैं, घर पे बना लीजिएगा, हटाएं लिखो, अगर जेड इक्वल टू दिया हुआ है ना 24x4 वाई फोर एक्स फोर वाई फोर प्लस log x प्लस ई एक्स प्लस ई वाई, ठीक है, जेड इक्वल टू ई एक्स प्लस ई टू एक्स प्लस है ना 3x क्यू वाई क्यू प्लस 10 वाई क्यू एक्स 10 प्लस
ई वाई, ठीक है। नोट कीजिए, फाइव 54 एक्स क्यू है, प्लस है, नोट कर लिए। अब देखिए, यदि आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्यू दिया हुआ है ना, यहाँ दिया हुआ है, मान लिया सिंपल समझने के लिए, टेन के क्यू प्लस आपका जो है एट एल एस क्यू प्लस दिया हुआ है टेन। तो इसमें अगर आपसे पूछे कि भाई इसमें बताओ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेल क्यू बाई डेल एल करेंगे, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है डेल अपॉन डेल एल, क्या लिखिएगा, टेन के क्यू प्लस एट एल क्यू प्लस टेन, है ना। ते तो जीरो हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, थ्री आठ दिया 24 एल स्क्वायर प्लस जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल क्यू बाई डेल एल क्या हो जाएगा, 24 एल स्क्वायर। और इसमें एल का वैल्यू अगर दिया रहा है तो तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकल जाएगा, यानी ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एक क्वेश्चन दो नंबर का पूछता है, एक फंक्शन दिया रहेगा, बताइएगा इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिव लेबर। उसी प्रकार से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसी तरह से निकाल लो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इक्वल टू लिखते हैं वही डेल अपॉन डेल के, क्या लिख रहे हैं, टेन के क्यू प्लस एट एल क्यू प्लस टेन। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा टेन, सॉरी ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री इंटू टेन के स्क्वायर प्लस जीरो प्लस जीरो, तो जगह 30 के स्क्वायर, ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के। वैल्यू दिया रहता है, निकल जाएगा उसमें। तो देखें कि जब हमारा एक वेरिएबल होता था तो उसमें हम लोग कैसे निकालते थे मार्जिनल वैल्यू, अब जब दो है तो कैसे निकालेंगे। इसी तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री वेरिएबल भी होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फोर वेरिएबल भी होता है। चलें आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।